किसी व्यक्ति की नौकरी लगती है तो वो सोचता है कि मैं अपने लिए अब गाड़ी खरीदूंगा, घर खरीदूंगा या अपने परिवार के साथ एक ऐश की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन इन सब से एक अलग विचारधारा रखने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित महान समाज सेवक और महान व्यक्तित्व के धनी श्री केएल यादव का जन्म मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गाँव सिंदूरिया में 1961 में हुआ। जन्म से बेहद सरल और सहज स्वभाव के साथ जीवन का आनंद लेने वाले श्री केएल यादव पेशे से एक शिक्षक थे। चाहते थे पर प्रारंभिक शिक्षा तो जैसे तैसे गांव से उन्होंने कंप्लीट की। अब इसके बाद उनके लिए पढ़ने के लिए गांव में व्यवस्था नहीं थी, तो ऐसे में अपने रिश्तेदार के यहां पढ़ने के लिए गए। वो वहां भी उन्होंने बहुत दिक्कतों का सामना किया। अब वो शिक्षक के पेशे में ज्वाइन हुए। वहां पे उनके जीवन के दो अलग अलग टर्निंग पॉइंट थे। एक वो था जहां पे जो जीवन सब जी रहे उस तरह चले जाते, या दूसरा जीवन जो उन्होंने जिया, जिस जीवन की आज हम बात कर रहे हैं, या किस तरह से वो 40 साल में पोटली बाबा बनकर जिए और लोगों के जीवन को उन्होंने संवारा। और हर किसी के लिए, या ये कहूं कि जो भी इंसान उनके जीवन से जुड़ा हुआ था, सबके लिए एक पितामह का रोल अदा किया उन्होंने। और किस तरह से उन्होंने इस अपने अनूठे जीवन को जिया, इसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने समाज सेवा को क्या चुना। उन्होंने समाज सेवा की पूरी परिभाषा ही बदल के रख दी, या यूं कहें कि समाज सेवा ने उनको चुना था इस काम करने के लिए। अब उनका नाम पोटली बाबा कैसे रखा, इसके पीछे किस्सा है। वो क्या करते थे, हमेशा जब भी कहीं जाते थे तो अपने बैग में एक थैला रखते थे। ये थैला वो किसी के घर जब मिलने जाते थे तो वहाँ ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से करते थे। वहाँ देखते थे वो कि कौन सी चीज़ आपके घर में फालतू है जो किसी और के काम आ सकती है। हमारे घर में कई सारी ऐसी चीज़ें होती, पुराने जूते चप्पल होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, वो कपड़े जो आउटडेटेड फैशन हो गए, जिनको हम पहनना पसंद नहीं करते, या ऐसे जूते चप्पल जो हम पहनना पसंद नहीं करते हैं, या ऐसे खिलौने जिनसे हमारे बच्चे खेलना पसंद नहीं करते हैं। इन सब को वो एक बहुत अच्छे तरीके से देखते थे और उनको ये भी पता होता था कि ये चीज़ किसके काम आ सकती है। अब वो क्या करते थे, आपको थैला दे दिया कि बोले जो भी आपके घर में पुरानी चीज़ें हैं आप इसमें रख देना, मैं अगले दिन आके आपसे ले लूँगा। और उनको क्या पसंद आता था कि मैं किसी गरीब की सेवा कर पाऊँगा। तो देखिए दोनों कैसा, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है कि किसी गरीब को, जरूरतमंद को चीज़ मिल गई जिसके लिए उसे ज़रूरत है, और आपके घर का जो अनावश्यक सामान है वो भी किसी के पास चला गया। तो ऐसे में आपको भी उस चीज़ का जो पुण्य है वो आपसे भी जुड़ गया और उनसे तो जुड़ गया। तो एक मीडिएटर के रूप में पोटली बाबा बनकर काम करते थे, और कई बार तो लोग उनको बिल्कुल नए सामान दे देते थे। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो उनको कई बार इन्वाइट करते थे कि आप हमारे यहाँ आकर वो नए सामान है, मान लीजिए चप्पल हैं, वो आप ले जाइए, या खिलौने वाला उनको बुलाता था कि आप हमारे यहाँ से खिलौने ले जाइए, या टाइल्स वाले कई बार उनको बुलाकर कहते थे कि हमारे यहाँ कुछ टाइल्स जो ब्रेक हो गए मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, जो मतलब एक कस्टमर नहीं खरीद के ले जाता है, आप उनको ले जाइए और किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। अब आप देखिए वो कैसे काम करते थे, किसी ज़रूरतमंद के घर पर टाइल्स लगवा देते थे, किसी बच्चे को खिलौने दे देते थे, किसी को कपड़े पहना देते थे। श्री केएल यादव के जीवन के तीन सिद्धांत थे, शिक्षा, स्वस्थ और स्वच्छता, और तीनों के ऊपर उन्होंने बेहद काम किया। सबसे पहले समझते हैं कि शिक्षा में किस तरह से उन्होंने काम किया। तो शिक्षक और शिक्षा दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए शब्द हैं, पर वो जब शिक्षक थे ना तो शिक्षा की जिम्मेदारी तो उनकी थी, पर वो सिर्फ स्कूल के ही शिक्षक नहीं थे, बाकी ये कहना चाहिए कि वो पूरी बाहर जो बाहरी दुनिया है जहां पर वो रहते थे, जहां अपने आसपास पड़ोसियों में, गांव में हर जगह पर वो शिक्षक का रोल अदा करते थे। वो रहने वाले गांव के थे और गांव में ही उनकी नौकरी थी और वहीं पे वो साधारण जीवन जीते थे। अभी क्या होता है, गांव में कई सारी ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं बनी हुई हैं जो कुछ तो फायदेमंद है पर कुछ लोगों के लिए गलत है। उसमें से सबसे पहले बात करते हैं मृत्यु भोज के बारे में। अब मृत्यु भोज एक ऐसा विषय है कि
उसको आज भी लोग बड़ा धूमधाम से करते हैं, कई बार बहुत ज्यादा खर्चे के साथ में करते हैं। अब ऐसे में जो लोग सामर्थ्यवान हैं, जिन लोगों के पास इतनी व्यवस्था है कि वो मृत्यु भोज कर पाए, खर्चा करके कर सकते हैं, उनके लिए तो ठीक है। पर अब जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, वो लोग कई बार कर्ज में लेकर भी इसको कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। और समाज के आदर्श तरीकों से देखा जाए तो भी मृत्यु भोज गलत है, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। तो अक्सर वो इसके बारे में बातें तो करते ही थे लोगों से कि भाई मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। अब उनको उनके पिता के उसके ऊपर पिता जब उनके पिताजी नहीं रहे तो उनको मृत्यु भोज बंद करने के ऊपर मौका मिला। तो वो सिर्फ यहाँ देखिए सिर्फ उदाहरण नहीं देते थे, वो उसका अनुसरण भी करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब उनके पिता नहीं रहे और उनका मृत्यु भोज का प्रोग्राम करने के लिए गाँव वालों ने बोला, तो वो सबके खिलाफ चले गए। उन्होंने विरोध किया इस चीज का कि जब मैं लोगों को उदाहरण देता हूं और मैं ही अगर ये काम कर दूंगा तो फिर मैं तो वो वाला उदाहरण हो गया कि भाई गुड़ खा रहा हूं और लोगों को गुड़ खाने का परहेज बता रहा हूं, तो ये तो गलत है। उन्होंने इस बात को माना कि भाई मृत्यु भोज बंद होना चाहिए और मृत्यु भोज के खिलाफ बंद करने के लिए उन्होंने बोला, सब लोगों को एकत्रित करके कहा कि मैं मृत्यु भोज को बंद करता हूं और मैं इसमें जो भी खर्चा होगा वो अपने खर्चे से गांव का जो शमशान घाट है उसको मैं अच्छे से तैयार करा दूंगा, ताकि जो भी लोग यहाँ आते हैं उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दूसरा काम उन्होंने समाज सेवा के प्रति जागरूक करके लोगों को ये किया कि गांव में एक जो है नात्रा झगड़ा योजना चलती है, जिसमें क्या होता है कि मतलब बड़ा ही गलत तरीके से जब किसी बच्ची का विवाह हो जाता है तो यदि वहां से किसी वजह से अगर वो अपने घर आ जाती है वापिस, तो उनको लाखों रुपए वापस उसको देना पड़ते हैं, लड़के वालों को देना पड़ते हैं लड़की वालों को। तो अब ये तो भाई बड़ी गलत परंपरा है, ये समाज सेवक थे, इनका तो बनता ही था इसमें हक लेना, और ये वाकई ही ये उसमें क्यों ना हिस्सा लें। तो इन्होंने क्या किया कि नात्रा मुक्त योजना बनाई और बाद में जो कि लाल चुनरी अभियान के नाम से हर जगह पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ, गवर्नमेंट ने भी वो योजना अपनाई। तो उस कमेटी में भी इनको बुलाया गया था कि आप किस तरह से समाज सेवा के लिए काम करते हैं और हम क्या कर सकते हैं, तो इस लेवल तक गए थे। और तीसरा काम वो करते थे वृद्ध जनों का सम्मान। क्या करते हैं कि लोग 50-60 साल के बाद अपने वृद्ध जनों को घर पे थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, या सोचते हैं कि अब उनकी क्या वैल्यू है, भाई कमाने वाले तो हम लोग हैं, ऐसे में वो तो बस घर पे पड़े हुए हैं, ऐसा समझते थे। तो उन्होंने एक अभियान की शुरुआत करी जिसमें वृद्ध जनों का सम्मान करते थे। वो शाम को 10-15-20-50 लोगों को इकट्ठा करते थे, उसके बीच में जो भी वहां से वृद्ध होता था या वृद्धों को बुलाकर उनको मालाएं पहनाते थे। अब इससे क्या होता था कि लोगों को ये पता चलता था कि भाई देखो हमारे वृद्ध लोगों का वहां सम्मान हो रहा है और हम घर में सम्मान नहीं करते, और वहां पे साथ ही साथ वो लेक्चर के थ्रू कुछ समझाते भी थे। तो इस तरह के थे हमारे केएल यादव सर। वो ये मानते थे कि स्वास्थ्य सही है और जीवन में स्वच्छता है तो जीवन में सब कुछ सही है, और इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। आज से लगभग बहुत साल पुरानी बात है, लगभग 2000 सन की बात होगी, जब उन्होंने गांव में छोटे छोटे अभियान शुरू किए। वो गांव में लगभग 10 से 15 दिन का कैंप लगाते थे जिसमें गांव वालों को स्वस्थ कैसे रहना है, मच्छर से कैसे बचना है, और जो खुली नालियां बहती थी उनका प्रबंधन करना, खुले में शौच नहीं करना, ये सारी चीजें बताते थे। और इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी रखते थे, और साथ में स्वस्थ को और अच्छा रखने के लिए मनोरंजन के प्रोग्राम शाम को वो गांव वालों के साथ किया करते थे, जिससे कि ज्यादा घुल मिल जाते थे वो लोगों के साथ में, और लोग उनकी बात को बहुत ज्यादा मानते थे। ऐसे थे हमारे श्री केएल यादव। हम सबकी एक दिनचर्या होती है, हम सुबह उठते ही अपने काम में लग जाते हैं या अलग अलग प्लानिंग करने लगते हैं, लेकिन श्री केएल यादव सर की दिनचर्या क्या होती थी, जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जब वो सुबह 5 बजे उठते थे तो उठते ही सबसे पहले अपने उस कमरे में जाते थे जहां पे वो सब लोगों की आवश्यकता का सामान रखते थे। अब उसमें से हर दिन ये छांटते थे कि मैं कौन सा सामान किसको दे सकता हूँ, यानी मैं दुनिया को आज क्या बेहतर दे सकता हूँ, और उसके लिए तैयारी करके घर से निकलते भी थे। और जब निकलते थे ना तो खाने की प्रतीक्षा नहीं करते थे कि मेरे को खाना खा के घर से निकलना है, जो भी खाया पिया घर से निकल लेते थे और उन लोगों के बीच चले जाते थे जहां उनकी बेहद जरूरत होती थी। तो इस तरह की दिनचर्या वो जीते थे। श्री केएल यादव के जीवन से हमने क्या सीखा कि हमारे पास जो कुछ भी है, हम जिस पद प्रतिष्ठा पे हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा भी हमारे समाज को उसकी जरूरत है। उसका छोटा सा हिस्सा यानी जैसे आप महीने का 5000 कमाते हैं तो उसका 50 या 100 रुपए हमारे समाज को जरूर दान करें, क्योंकि हमारा समाज या हमारा वो हिस्सा जो कि आपकी प्रतीक्षा करता है, जो सोचता है कि हमारे लिए भी कोई कुछ सोचता होगा। और परोपकार से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और यार खुद के लिए जिए ना तो क्या जिए, आप कब आए कब चले गए किसी को कोई पता ही नहीं चलेगा आपके बारे में। पर जब आप एक समाज सेवक होते हैं, जब आप समाज के बारे में सोचते हैं,
तो दुनिया आपको याद करती है और आप हमेशा लोगों के विचारों में, लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। आप विचारों के रूप में हमेशा हमारे बीच रहेंगे। और मैंने एक स्पेशल मौके पे, जब मैं आपके लिए ऑटोबायोग्राफी तैयार कर रहा हूं, तो मैंने एक प्रण किया है कि समाज में जो भी बच्चा बहुत अच्छे काम करेगा, समाज का नाम गौरवान्वित करेगा, उसको हम आपके नाम के सर्टिफिकेट से सम्मानित करेंगे। और अंत में मैं इस महान पुरुषार्थ, महान समाज सेवक और महान व्यक्तित्व को दिल की गहराइयों से नमन करता हूं।